परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गुरुजी अपने घर चले जाते, पाछे तो श्रोता आ जाते, बैठ जाते तो मैं कथा करने लग जाता। अब श्रोताओं को मेरी सुरीली आवाज़ और ज़्यादा पसंद आने लगी, मुझे कहने लगे कि तू आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो, ओहो आप तो महाराज जी गुरुजी से भी बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। तो वो इंजेक्शन मेरा लागे, पंप मार दिए, मैं फूल गया। अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। वो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है, आटा दाल चीनी चावल बूरा कुछ बचा तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहने और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है, वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन। एक दिन श्रोता बैठे थे गुरुजी आगे अपने घर से मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मैंने अभिमान इतना हो गया, मैंने खड़ा होकर दर्शन नहीं किया गुरुजी के, और बैठे बैठे दर्शन कर लिए। प्रणाम करते हुए भी शर्म आई कि स्रोत मेरे चेले चपटे के कहेंगे गुरुजी, मतलब अपने आप मान लेता है ये मन नकमी वस्तु को। अब उस गुरुजी ने नहीं ध्यान किया, वो तो अपनी धुन में था, अंदर जाकर जिस पूजा करता था शिवजी भगवान की करण लायक गया, और वो कागभूषण बैठा था उठा नहीं। तब आकाशवाणी की भगवान शंकर जी ने कि ए नीच आत्मा कागभूषण, तुझे 1,00,000 वर्ष तक नरक में डाला जाता है, चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने के गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा हांडी पाक रहा था, वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया, को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। और कहा आजा बेटा माफ़ी मांग भगवान ते, हाथ जोड़ के आप भी खड़े हैं और अपने शिष्य को भी कह रहा बेटा माफ़ी मांग भगवान ते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं बालक बहुत प्यारा
बालक माँ का और उससे बढ़कर शिष गुरुओं का। पिता ने अपना पुत्र या पुत्री बहुत प्यारी होती है और माँ की ममता पिताजी से भी ज़्यादा 100 गुना अधिक होती है बच्चों में, और शिष्य में गुरु की अपने शिष्यों में उस माँ से भी अधिक प्यार होता है। जो इस पद पर आकर बैठता है उसको पता चलता है, तो वो उसको इतनी उसको प्यारे लगते हैं कि कहीं ये काल के जाल में ना आ जावें, कहीं ये भक्ति से दूर ना हो जावें, कहीं इनको काल ना खा जावे, क्योंकि वो परिचित होता है और बालक बालक ही होते हैं, उनको इतना आभास नहीं होता। तो गुरुजी को कितने प्यारे लगे वो अपना शिष्य, जबकि वो कति निकम्मा था, फिर भी कहा आ बेटा माफ़ी मांग भगवान थे, हाथ जोड़ कर याचना करें, आप भी कहे कि हे प्रभु अक्षमा कर दो, बालक बोला था कोई गलती होगी होगी इस तरह अक्षमा कर दो। फिर आकाशवाणी हुई, मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। फिर प्रार्थना करते रहे, फिर भगवान शिव जी ने उनके गुरुदेव की याचना सुनकर कहा कि तेरे गुरुदेव के आदेश से, तेरे गुरुदेव की याचना स्वीकार करता हुआ मैं तुझे कुछ राहत दे दूंगा, नरक में तो तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वचन वापस नहीं ले सकता, लेकिन वहां यमदूतों को तुझे तंग नहीं करने दूंगा। अब कागभूषण कहता है कि ऐसे कुछ समय के बाद मेरा शरीर छूट गया और मैं नरक में डाल दिया गया। वहां शिव साहेब की कृपा से यमदूतों ने मुझे सताया नहीं, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अपने आत्मा किसी को सजा होगी और वो किसी मंत्री का मित्र है, रिलेटिव है, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के आदेश से वहाँ उस जेल के सिपाही या वो अधिकारी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दुख नहीं देंगे, उसकी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सुविधा तक की है जो भी मतलब उसको, और विशेष जो यातनाएं हैं वो नहीं देते। कहने का भाव ये है कि अन्य कैदियों से वो काफ़ी राहत प्राप्त करता है, महसूस करता है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में, बाहर नहीं जा सकता, वो जेल से नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसे भगवान शिव की कृपा से कहते हैं 1,00,000 वर्ष मैं नरक भोग के फिर दोबारा मेरा मनुष्य जन्म हो गया। अब मनुष्य जन्म होने से फिर क्या हुआ कि मेरी वो भक्ति की जो तड़फ थी वो मुझे उठाए फिर रही थी, एक लोमस ऋषि कथा करें थे उनके पास पहुंच गया। अब दंत कथा लोक वेद से मैंने जो ज्ञान इधर उधर सुन रखा था उस ज्ञान के आधार से मैंने लोमस ऋषि से प्रश्न कर दिया। लोमस ऋषि परमात्मा का सरगुण आकार बता रहा था, ये सब परमात्मा का रूप है, ये ब्रह्मांड सब परमात्मा का स्वरूप है, उसी की रचना है, ये उसी का स्वरूप समझो। अब मैंने कहा कि मैं तो निराकार निर्गुण परमात्मा के विषय में जानना चाहता हूँ ऋषि जी, ये सरगुण तो सब नष्ट हो जाएगा, उस निर्गुण परमात्मा निराकार भगवान की मुझे महिमा सुना। तो वो उसने काफ़ी प्रेरणा दी कि भाई निर्गुण बिना सरगुण बिना निर्गुण के गावे, निर्गुण पद नजरा नहीं आवे, जैसे वृक्ष है बीज के माही है व्यापक पर दिख नाही, कि जैसे एक बीज में वृक्ष है, आम के बीज में, आम की गुठली में आम का पेड़ है। अब मैं तुझे बताऊं कि इसमें एक पेड़ है, अब वो पेड़ ना होगा, इसको बीजूंगा, बीजने से फिर पौधा बनेगा, पौधा से फिर यो पेड़ बनेगा, तो वो सरगुण हुआ तो काम भी आया, अतिथि पक्ष यानी पंथी को छाया भी मिली और फल भी मिले। और वो तू निर्गुण कह रहा है, निर्गुण रूप में बीज में, निर्गुण रूप में वृक्ष बीज में विद्यमान है, तो उस निर्गुण का तुझे दिखाऊं कि जब तक वो उगे नहीं गा। कहते हैं निर्गुण पद नजरा नहीं आवे और सरगुण बिना निर्गुण के गावे। अब कोई सरगुण तूने देखा ही नहीं है आम, तो तेने क्यों कर समझाऊं मैं यू आम से इस बीज के अंदर,
तो काकभूषण कहता है कि मेरी बुद्धि में वह बात समाई को नहीं, तो मैंने कहा कि आप मुझे बहकाओ मत, आप मुझे निर्गुण कथा सुनाओ। इस बात से यानी मैंने कुछ ऐसे ही लहजे से संत के साथ वाद विवाद कर दिया। रोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल तू तो चंडाल के जन्म होना चाहिए, तुझे कहाँ ऐसा जन्म मिल गया, तू जा चंडाल के जन्म ले, तू भक्ति नहीं समझ सकता। अब कहता काकभूषण के मुझे जब संत ऋषि लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया, मेरे अंदर क्रोध नहीं आया और मैं घबरा गया कि ये बात बिगड़ेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी इस दास को कहीं भी जन्म दे देना, मुझे माफ करो मेरी गलती प्रभु, पर एक वर दे दो इस दास को कि मेरे हृदय से भगवान की भक्ति की भूल ना पड़े। इस मेरी इस यातना से लोमस ऋषि प्रसन्न हो गया और कहा भी मैं वचन तो वापस नहीं ले सकता, तने चंडाल के घर जन्म लेना ही होगा, परंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे हृदय में भक्ति बनी रहेगी, भगवान की याद बनी रहेगी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वो अनमोल ज्ञान दिया, जिसके आधार से गरीबदास जी ने उनकी सारी जन्म पत्रिताएं बता रखी है। कहते हैं, ब्रह्मणी अंसनी पिड़वाई और कागचंड के द्वारे आई। अब ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, उनके यहाँ हंस रखते हैं, हंस एक हंसनी थी, उस हंसनी को जब वो गर्भ धारण करने की स्थिति में आई तो उसको कागचंड के पास ले गई, जैसे भैंस गाय को ले जाते हैं मेल यानी सांड या झोटे के पास, तो वहाँ कहते हैं उस हंसनी और कागचंड के संयोग से मेरा जन्म हुआ। ऊपर का मुँह तो काग जैसा और शरीर मनुष्य जैसा, ऐसा मेरा जन्म हुआ। फिर मैं भक्ति की तरफ मैं इधर उधर घूम रहा था तो मुझे जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक युग में, एक नाम तो उनका कंटिन्यूस रहता उस युग में सत सुकृत, फिर अन्य रूप में भी अन्य वेशभूषा वेश अंतर करके रूपांतर करके कहीं भी कुछ दिन के लिए आ जाते हैं और वहाँ अपनी भक्ति को फिर पनपना कर चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ से आए थे कहाँ चले गए। ऐसे जोगजीत रूप में वो परमात्मा आए, तब काकभूषण को मिले, काकभूषण को भक्ति ज्ञान दिया और प्रथम मंत्र दिया, जिस कारण से काकभूषण को काफ़ी राहत मिली, भक्ति मार्ग में काफ़ी सफलता मिली। क्या बताते हैं अब वो सचिदानंद गण की वाणी सुनाते हैं आपको। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की काती। काकभूषण से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परमाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुल कौन वंश बखाना। अर्बण वर्ण कला पर वैसा, तुम्हारी महिमा कर है सेसा। यानी तेरी महिमा को तो बड़े बड़े महापुरुष भी करते हैं, भाई भक्ति कर मिले तो भक्ति हो तो काकभूषण जैसी दिन रात मालिक याद करता है। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्रिय जीत चढ़े मन सेजम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मोय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनुपा, भेद कहो परमानंद जूका। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में, उसमें ये वर्णन दिया है वेद ज्ञान दाता ने कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है, माँ से जन्म लेता है, कोई कहता है वो माँ से जन्म नहीं लेता है, यानी ऐसे अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं।
और कोई किसी को एक भाषा का ज्ञान हो गया उसको शिक्षित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन, परिभाषा, और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अपने आत्माओं, गरीबदास साहेब जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, और उनकी भाषा देखो कितनी प्यारी है। अब ये विद्वान थे या अविद्वान, ये महाविद्वान थे, और जिनको अक्षर ज्ञान था वो कति अविद्वान थे, ये थे विद्वान। क्या कहते हैं, कह भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा। खगेशा, अब खग माने पक्षी और ईस माने पक्षियों का स्वामी। खगेशा, कितना शुद्ध और संस्कृत का ये शब्द इन महापुरुषों ने बोला, यानी सारी भाषाओं का समावेश किया उस परमेश्वर ने कि परमात्मा की सभी आत्माएं इसको सुन सकें। एक जगह एक शब्द आता है, इधर ये शब्द इधर का है, पश्चिमी बंगाल के साइड का, उसमें क्या बोल रहे हैं कि पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पद पोइस है। गरीबदास साहिब जी की वाणी में है, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पग पोइस है, आगे पोइस पाछे पोइस, पोइस पोइस होइस है, और जिन पोइस का वर्म ना जाना वो जन्म अकारथ खोइस है। अब क्या बता दिया पोइस, अब हमने पोइस माने बेरा नहीं, एक वो इस भाषा से परिचित था जो जिसकी जिस क्षेत्र की या भाषा थी वो कह, उसने बताया कि पोइस माने रास्ता होता है, राह। अब परमात्मा ने यानी गरीबदास साहिब जी ने इस पोइस का अर्थ भी कर रखा है लेकिन हम नहीं समझ सके। पोइस पोइस बाबा पोइस है, सभी भक्ति मार्ग बताते हैं। अगला भी कह रहा है मैं भी भक्ति मार्ग बताता हूँ, पिछला भी कह रहा है मैं भी सही रास्ता बता रहा हूँ। पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पग पोइस है, पैदल चला जाता है उसको पोइस कहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सके क्यों, यहाँ पोइस का अर्थ भी दे रखा है मालिक ने, आगे पोइस पाछे पोइस और पोइस पोइस होइस है। सब ने कहा हम भी राह बताओ भगवान का, हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ पंथ माने मार्ग। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म ना जाने वो जन्म अकारथ खोइस है, यानी सारी लैंग्वेज ले दी इसमें। जिन्होंने सच्चे मार्ग का पता नहीं चला तो गिवेशिक पोइस पोइस कर दे रही हो, जन्म अकारथ खोइस है, खोइस माने खो दिया, खो रहे हो, जीवन व्यर्थ कर रहे हो तुम इस नकली पंथों पर, नकली रस्तों पर चल के भक्ति वार के। तो यहाँ क्या बताते हैं, कह भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूँ परवेशा। खगेशा यानी पक्षियों के राजा। संख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब क्या बताते हैं, कागभूषण जी बता रहे हैं, संकल्प युग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। कहते असंख्य कल्प युग हो गए, जन्म और मरण इस जहान में मेरा बना रहा, और जन्म पुरबला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। एक पहले का एक अपना जीवन बताता हूं, उससे पहले कि तुना जाने कितने जन्म मेरे खराब गए। सुनो गरुड़ मेरा आदि संदेशा, भिन भिन भेद कहूँ खगेशा, संख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। क्या कितनी प्यारी भाषा बताई है कि संखों मनुष्य जीवन पहले मेरे व्यर्थ गए, नष्ट हो गए, मिथ्या गए, मैं संभाल नहीं सका यानी भक्ति नहीं कर सका, उसमें मुझे कोई संत मिला नहीं जो मेरे ऊपर कलम चढ़ा देता। अवधपुरी एक नगरी निधाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। एक अवधपुरी नामक नगरी में मेरा जन्म हुआ, पूर्व जन्म का बता रहे हैं।
20 वर्ष की उम्र पुनीता मात पिता भय काल सनीपा, मेरी 20 वर्ष की आयु थी जब मेरे माता पिता मर गए। किस कारण? पड़ा अकाल दुर्भिक्षता ही पृथ्वी डोल गई रे भाई, पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। भूखे मरते एक दूसरे ने खाने लगे मनुष्य, अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी अवधपुरी हम तजी खगेसा ताही समय गए मालू देसा। पुरी अवंती लीना बासा जहाँ वहाँ नहीं तन अन्न की त्रासा, अन्न तो वहाँ पेट भर खाया कह भूसुंड सुनो खगराया खगराया है। राय माने भी मालिक, राय साहब का आकर ना राय साहब, तो स्वामी जी राय साहब माने स्वामी साहब मालिक राय साहब, यानी सुनो खगराया हे पक्षियों के मालिक पक्षियों के राजा, राय माने राजा राजा साहब। अन तो वहां पेट भर खाया कह भूसुंड सुनो खगराया, पंडित एक अवंती माही ही कथा करण से द्वारे जाही, सट मास हम संगति कीनी बहुरतास की दीक्षा लेनी। 6 मास तो उसके साथ बैठा रहा और फिर उसकी दीक्षा प्राप्त की, उपदेश लिया। टहल कर शिव पंडित केरी गुरु चेले का भाव घनेरी, स्वामी करण गए स्नाना पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पत्र धर लिंग बनावे, शिव पूजा पंडित करे जहां हम लिया निवास, गुरु दीक्षा मन में करी मिट्टी खगेश पियासे। तन मन अर्पे फेरे माला जाके ऊपर ईश दयाला। कि वो पंडित जी जो था अपने भगवान शंकर का बहुत अटूट पुजारी था और भगवान शिव उस पर बहुत कृपालु थे, उसके ऊपर बहुत राजी थे प्रसन्न थे। तन मन अर्पे फेरे माला जाके ऊपर ईश दयाला, पूजा करण दिवालय आए जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा लाख वर्ष तुम जमपुर रखा। अब कहते हैं मैंने बैठे बैठे खड़ा होकर सत्कार नहीं किया अपने गुरु जी का, तो भगवान शिव जी इस बात पर मेरे इतने नाराज हो गए। अब यहाँ देखो सोचने की बात है, ये तो चाहे आप एक तहसील स्तर पर कोई बच्चा खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर, कोई राज्य स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी गेम खेलता है, कानून सबके एक जैसे नियम होते हैं। तो यहाँ शिवजी भगवान ने क्या, जैसे परमात्मा ने क्या कहा है कबीर जी ने, मम संत मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना मेरा स्वरूप जानना, और फिर रिहर्सल करना उसके साथ के भगवान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे अपनी रहनी करनी करनी चाहिए, क्योंकि हमने फिर भगवान के सामने भी जाना है और वहाँ हमने गलती कर दी फिर उल्टे फेर पटक देगा। तो अब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि निकम्मा ये यहाँ आ गया मेरे लोक में, यहाँ भी नेको बद करेगा, जब तू अपने गुरु जी का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा के करेगा। भस्मा सुरते पहले दुखी थे भगवान शिव जी का पता था ये किसा पुजारी था, यानी कहते हैं दूध का जला हुआ फिर लस्सी का भी फूक मारता है, पहले आगाह हो जाता है सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुजी की के प्रति तेरा लगाव नहीं है तो मेरी के टाट काटेगा या मेरे भी साथ ऐसे को बद करेगा, तो श्राप दे दिया कि 1,00,000 वर्ष तुझे नरक में रखा जाएगा, निकम्मी आत्मा तू गुरुजी का सत्कार नहीं करता। पूजा करण दिवालय दिवालय आए जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी जब देवालय, देवालय माने आलय माने महल मकान आलना स्थान, देव आलय जैसे देवल कह देते हैं सीधे भाषा में, देवल
मंदिर से, मंदिर माने भी मकान होता है, तो देव का देव देवालय माने देव स्थान, यानी उस मंदिर में आए पूजा करण देवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर राखा। पंडित सुना वचन शिव केरा, ओठ चरण ले न्या गुरु केरा, पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलप करी बालक बौराया, रे धर बालक तू शिव का ध्यान ताते बक्से तेरे प्राणा। चार पहर पंडित को बीते, बोर आवाज हुई मन चीते, मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे भाई। चार पहर तक गुरु जी अपने बच्चे अपने बेटे अपने शिष्य की रक्षा के लिए उसके बचाव के लिए प्रार्थना करते रहे, फिर आकाशवाणी हुई कि यम के लोग चलो रे भाई, नहीं मेरा वचन ना खाली जाई और जम के लोग यानी नरक में जा भाई। बहुर धरा पंडित तब ध्याना, बक्सो साहेब या के प्राण, सह हर्ष जद निका ठीका, वाणी अरस भही शिवनिका, बहुर महादेव भय दयाला, जम का भोग लोक भुगते तत्काला। फिर शिव जी दयाल हुए, रहम किया कि कोई बात ना भाई, यम का लोक तो एक लाख वर्ष तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ कष्ट कोई नहीं होगा, आसानी से तेरा यो तत्काल ही बात यो कष्ट निमट जाएगा। हमरे लाग्या संसार सोका, छुट्टी दे गई गए जमलोका, चंद रोज तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थ अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। अब पहले क्या होता था कि कैदियों को चाकी पीसन की ड्यूटी देते थे सजा, और कोई मंत्री का मित्र होता रिलेटिव होता उसको उससे चक्की नहीं पिसवाते, आराम से रहता जेल में ही। तो ऐसे ही कहा कि यम के दूतों ने हमें तंग नहीं किया शिव साहेब की कृपा से, यानी क्योंकि ये मंत्री हैं यहाँ इस तीन लोग के, एक एक विभाग के, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। शिव साहेब की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा, सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया, बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग भूषंडा, दर्श्या अद्भुत रूप अखंडा, सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब काग भूषण कह रहा है कि मैं उल्टी शिक्षा देन ला गया लोमस ऋषि को, वो जो कथा सुना रहा था अपने अज्ञान के कारण, मैं उस संत को कथा सुना अपनी शिक्षा देने लग गया कि सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आज कथा हमारी, बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप कर कह भागी रथ लाए, तीहू लोग कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कहता मेरे को कई उदाहरण दिए लोमस ऋषि ने कि जैसे या गंगा पहले भगवान शिव जी के एक जटा कुंडली डैम में थी, एक जटा कुंडली बहुत बड़ा सरोवर है श्री शिव जी भगवान के, वहाँ शिवलोक में बहुत बड़ा सरोवर जैसे भाखड़ा डैम आपने देखा होगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत पानी भर रखा है चारों तरफ, और वहाँ से एक भाखड़ा नहर निकलती है बहुत बड़ी। तो ऐसे ये वहाँ थी गंगा, वहाँ थी, फिर भागीरथ ने तप किया और भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा को यहाँ पृथ्वी लोक पर चालू करवा दिया। तो ये गुप्त वस्तु वहाँ थी, साकार थी ये, लेकिन यहाँ प्रकट हुई तो देखा, इसका लाभ हुआ, स्नान किया अच्छी तरह, अच्छा निर्मल जल है। तो ये सरगुण निर्गुण समझो भाई। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप कर कह भागीरथ ल्याए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे मोरा,
डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते है छाया। के जैसे बीज वृक्ष बीज में है सब ठौरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, पेड़ है, लेकिन जब उसको उगाएंगे तभी तो वो दर्शन हो दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के जो निर्गुण परमात्मा के जो लाभ हैं वो गुप्त हैं, उनको सरगुण करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है उस परमात्मा को फिर लाभ लेने के लिए। फल पक्ष जैसे पक्षी जैसे पंछी वृक्ष में केल कर दिन रैन, समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चैन। पंछी फल पंछी कर नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा, सरगुण भोग किया भगवाना, बहुविध विल से संत सुजाना। कैलो मस ऋषि सुनो भुसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा, अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। कितना सिंपल सा उदाहरण दिया है लोमस ऋषि जी ने कि जैसे अंडा अंडे में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दिखाई नहीं देता, जब वो पुष्ट हो जाता है परिपक्व हो जाता है तो फिर उसमें से वो बच्चा निकल आता है। ऐसे ही सरगुण और निर्गुण समझ भाई, ऐसे परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं, वो अपने यथा स्थान पर हैं, यहाँ आते हैं साकार में, तब हमें उनसे लाभ होता है। तो भगवान सतलोक में रहे या स्वर्ग में रहे, जैसे दिन की तुम भक्ति करते हो तो वो तुम्हें क्या लाभ देगा, यहाँ आता है तो हमें ज्ञान भी देता है और हमारे दुखों का निवारण भी करता है। कह लो मस ऋषि सुनो भुसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा, अंड बिना सो तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हमने समझा ज्ञान खगेसा, दिया श्राप हुआ परवेसा। अब कागभूषण जी कहते हैं मैं नहीं समझ सका ज्ञान को और फिर मेरे को श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला, दिया श्राप जुग जुग केरा, गरुड़ देव आनंद मन मेरा, तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। कहते हैं जब उन्हें मुझे चंडाल कहा कि तेरा चंडाल के घर जन्म होगा तो मैं क्रोधित नहीं हुआ, जैसे यावासा होकर मायूसा होकर ऐसे हाथ जोड़कर याचना रूप में खड़ा रहा कि गलती तो बन गई, फिर काफी प्रार्थना की। कहते दिया श्राप जुगा जुग केरा, गुरुदेव आनंद मन मेरा, उन्हें श्राप दिया तो भी मैं दुख नहीं माना, यानी खुशी सी हुई, और तमस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया, जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा, कुट ईशान करो प्रहारा, कागचंड के लो अवतारा। सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री सेती ज्ञान बिलासी, ब्रह्माणी हंसनी अंसनी पिडवाई, कागचंड के द्वारे लाई, ऋतुवंती संत अंसनी का पिंडा, भोग संजोग किए हैं चंडा। अपने आत्माओं, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारम्बार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो फिर नहीं लगता डार, और मानुष जन्म पा के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब आपको बताया कि दो प्रकार से मानुष जीवन प्राप्त होता है। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि पहले मेरे संखों जन्म हो चुके थे मनुष्य के, लेकिन किसी में भी कलम नहीं चढ़ी, प्योंद नहीं चढ़ी, सब मेरे व्यर्थ गए। अब इसमें बहुत शॉर्ट कट में दिया है मृतवाणी में, क्योंकि दास के ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने, क्योंकि नहीं तो ये सारे विद्वान पाके पांदे जाए, इसमें सारा विवरण विशेष दे देते परमात्मा, फिर हम समझा नहीं सके थे, हम नहीं पहचानवा नहीं सकते थे आपको, नकली और असली गुरुओं को, संतों को। क्या था कि गुरुड़ जी का जन्म, वो संत ने उसको उपदेश दिया, वहाँ देखो एक बात ध्यान रखो, परमात्मा की तरफ में वो प्यारी आत्मा होती है जो पूर्व जन्म में मनुष्य जीवन में थी, और पिछले जन्म जन्मांतर के वो कभी प्रभु की सेवा पूजा कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती है, वो पुण्यात्मा जगह जगह भटकती हैं। तो पंडित जी वहाँ सेवा, वो अपनी कथा सुनाता था,
वो श्रद्धालु पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ मंदिर जाते थे। कागभूषण वहाँ उस मंदिर की सफाई करता था, सेवा करता था, उनको प्रसाद देता था, पानी पिलाता था। उसके कर्म बन गए उन पुण्यात्माओं की सेवा करने से। और उस पंडित जी की भक्ति मत के मैं नहीं था सौदा। वो उससे फिर क्या हुआ कि फिर उसको दोबारा मानव शरीर मिल गया। इन इन कर्मों से भी मिल जाते हैं कई बार मनुष्य जीवन। तो ऐसे फिर धीरे धीरे उसको लोमस ऋषि मिले, उन्होंने उनको ओम नाम का मंत्र दिया। फिर वो साधना करी उसने, फिर शरीर छोड़ गया, फिर कि तो नरक गया कि तो स्वर्ग गया, फिर मनुष्य जीवन मिल गया। वह तड़फ बनी रही प्रभु की, फिर वो परमात्मा जोग जीत रूप में परमेश्वर आए, उसको सतभक्ति प्रारंभ करवाई। ऐसे वो फिर अब कागभूषण जी इस स्थिति में आ गया है कि फिर जन्म होगा तो मानव का होगा, भक्ति की तरफ बनी रहेगी। अब उसकी काफ़ी लंबी आयु है, देवता पद प्राप्त है। अब उनको पता नहीं, वो तो बालक खिलौने हैं, वो नीचे खेल रहे हैं, उसी को फाइनल वस्तु मान रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी में पता लगा कि ये की कहानी है। जैसे पुरात्मा जो बच्चा गऊ की नज़र में, नौ साई कु संत भक्तों के पीछे फिर यो भक्त वचल भगवंत। अब जैसे आज कोई सेठ है या कोई अच्छा फैक्ट्री मालिक है या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है या आप जैसे जो जनसाधारण है या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सभी पुण्यात्मा हैं और कभी किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति इन्होंने की हुई है। अब ठीक है, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो सब कुछ समझ बैठे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमें हमारे ही प्रयत्न से हमें राज प्राप्त है, हमारे प्रयत्न से हमें फैक्ट्री मिली है लगी है, हमारे प्रयत्न से हमने हम सेठ बने हैं, यह उनकी महाभूल है। वो तो बालक हैं, यही बोली बोल सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। एक नरसी नाम का सेठ था और उसके पास बहुत संपत्ति थी और पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, लेकिन वर्तमान में ज्ञान ना होने से वो माया का चीचड़ हो रहा था। इतना धन गिनती नहीं, और राजा ने उसको एक बहुत बड़े सेठ होने के नाते ड्राफ्ट बनाने का अधिकार दे रखा, हुंडी। पहले हुंडी बोलते थे ड्राफ्ट को। क्या होता था कि आप कहीं जाना है अपने दूसरे दूर देश में बिजनेस करने के लिए, आप उस राजा से नॉमिनेटेड उस सेठ के पास जाइए, जितने पैसे वहां जमा कराओगे उसे कागज ले लीजिए। कागज ले जाते थे, वो लिख देता था कि मेरे पास इसके पैसे इतने जमा हैं, और उस आगे जाने वाले शहर के सेठ के नाम लिख देता था कि आप इसको इतने पैसे दे दिए, आपकी पूंजी मेरे पास डिपॉजिट है, और उसका कुछ चार्ज ले लेते थे वो, एक आना, 10 पैसे, 2 आने ऐसे। और वो दूसरा सेठ भी राजा के द्वारा नॉमिनेटेड होता था कि उसकी हुंडी चलेगी, उसके पास संपत्ति इतनी है, वो इतने तक हुंडी दे सकता है। ऐसे वो इतना सेठ था। और फिर वो क्या करते थे, वो सेठ छठे महीने अपनी सब हुंडी आदान प्रदान कर लेते थे, कागज इकट्ठे करके लाते, एक जगह बैठ जाते कि मैंने आपको इतने पैसे देने के लिए कहा था, मैंने आपको उस दिन इतने पैसे की पर्ची उनके पास होती, तो जिसके जितने पैसे बकाया होते वो आपस में ले दे देते थे। इतना सेठ, और चवन्नी खर्च करे नहीं दान पे। एक लड़की इकलौती बेटी और उसकी शादी कर रखी, ब्याह कर दिया। और उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के सेठ जी, गंगा स्नान आ गया, गंगा नहा के आवांगे, आप भी चलो मैं भी जाऊंगी। सेठ बोला के करेगी गंगा में नहा के, यही ठीक से है, क्यों पैसे बर्बाद करे बावली के दरिया गंगा के स्नान में। तो वह नहीं मानी, काफ़ी प्रार्थना, काफ़ी बार याचना की, कहती रही, तो कहने लगा पैदल चलांगे। हालांकि वो तो बहुत कुछ रथ भी तैयार करा सकता था, इतना सेठ था अपने परिवार के लिए, लेकिन कंजूस
अब परमात्मा कहते हैं ये माया इस जीव की दुश्मन है, जिसके पास भी माया अधिक होगी वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। उसकी पत्नी ने काफ़ी कहा तो वो बोला ठीक है पैदल चलूँगा, ना कुछ नहीं, पैदल चल पड़े। वहाँ स्नान करने लगे। अब वहाँ स्नान करने लगे तो एक ब्राह्मण रूप धारण करके परमात्मा आए पूर्ण ब्रह्म, और उसने कहा कि सेठ जी कुछ दान करो। सेठ जी बोला अपना काम करे, काम करे, आ गया दान करनिया, माफ कर दूंगा दान जहाँ करना होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि दे कुछ पैसे दे दो पंडित जी ने, ब्राह्मण ने। तो परमात्मा रूप में पंडित जी ने कहा कि भाई यहाँ आने का तेरा लाभ क्या होगा, इस गंगा में नहाने मात्र से कोई लाभ थोड़ा होगा, कुछ दान धर्म करेगा तो लाभ होगा। उसकी पत्नी ने भी कहा, उधर परमात्मा ने कहा, जब कहने लगा कि मैं एक टका दूंगा, एक टका, पंडित जी बोला रूप में परमात्मा बोले ले टका दे देता है न, बोला इब को नहीं लाया मैं तो अपना रस्ते का भोजन जोगे पैसे लाया हूँ, तेने टका लेना है ना, घर आ जाइए मेरे वहाँ पर मेरे गांव में शहर में। और पंडित जी बोला भाई ठीक है वहाँ से ले लूँगा, पर याद रखिए, नोबला मैं पक्का हूँ वचन का, ऐसा कच्चा मत समझे मैंने शेठ पंडित जी। अब ना धोखा वो आ गया न्योका नो बैरंग, ना कोई चवन्नी दान की ना कोई धर्म किया, राम रोटी बंधवा के ले गया था, वो चूरमा खा के घर आ गया। अब पंडित जी भी साथ साथ आ लिया, सेठ जी ने तो घर जाकर गठड़ी रखी थी रस्ते वाली, जो सिर पर ले रहा था अपना कोई कपड़े उपड़े, यानी थैला रखा था। इतने में परमात्मा ने जाके कुआड़ खड़खड़ा दी, दरवाज़ा खड़खड़ाया, नौकर आए, नौकरों से कहा भी सेठ जी ने कहो उन्होंने मेरे गंगा के ऊपर एक टका उधारा है, उसका दान करने की कही थी, वो टका दे मेरे को, मेरा दान दे मुझे। अब उसकी नीत या थी सेठ की नरसी जी की कि ना तो युवा आवेगा और ना दान देना पड़ेगा। अब परमात्मा वहाँ पहुँच गए ब्राह्मण रूप में। जब नरसिंह जी को संदेशा मिला तो उसकी त्योड़ी पड़ गई कि यो तलाक लिया जंद पीछे, आज इसने एक टके की के लिए आया है, कल तो यो 10 रुपये के लिए भी जिद कर देगा, सट्राई कर देगा, कल न 100 रुपये की भी आंट लगाएगा, इसकी किसको रास्ता मिल जाएगा। यानी ऐसी सोच उसके मन में धारणा कर रही। उसने कहा सेठ ने नौकरों से कह दे सेठ जी थके पड़े हैं, सुबह तेरा टका दे देंगे। अब नौकरों ने जाके बता दिया पंडित जी हमारे सेठ जी गंगा स्नान करके आए हैं, थक रहे हैं भाई, नौकर सुबह दे दूंगा तेरा टका। अब भाई कोई बात ना। अब सेठ ने सोचा था चला जाएगा यो कित कहाँ रुक के गए इधर एक टके के लिए। अब परमात्मा ने तो ला लिए बिस्तर उससे के बाग में, अगले भाई यार विश्राम कर लेता हूँ सुबह ले कर जाऊँगा। अब सेठ जी सुबह आ गए, फिर खटखड़ा दिए दो दरवाज़ा और कहा भी कहो सेठ जी ने मेरा टका दिया, मैं चलूँ अपना सफ़र तय करूँ। सेठ को पता चला, उसने कहा कि नू कह दे सेठ तो बीमार हो गया, नौकरों से बोला और ठीक हो लेगा जब देगा तेरा टका। तो उन्होंने संदेशा ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण बोला भाई तेरा टका ले कर जाऊँगा, बार बार नहीं आ जाता, अपन सेठ जी स्वस्थ हो जाएगा इतने में यहीं रुकता हूँ, उसके बाग में बैठ गया। अब 4 दिन बीच गए, पंडित जी माए टट्टी करे उड़े अपने घर में खड़ा खुदवा लिया और बाहर नहीं आवे। और नौकरों से पूछे वो कमबख्त गया कि यहीं है, वह सेठ कह दियो तो बाग में लौट रहा है, बिस्तर बिछाए बैठा कंबल बिछा के वहाँ लेट रहा है। तो नौकरों से कहा यूँ कह देना कि हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने ब्राह्मण से कह दिया पंडित जी हमारे सेठ की तबीयत खराब थी, वो तो भाई स्वर्गवास हो गया उसका। तो अब सेठ ने सोचा था चला जाएगा भी हो, तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, कहने लगे भाई अब नो के जाऊँगा, हमारा जजमान मर गया, इसकी लाकड़ी दिवा के जाऊँगा, इसका अंतिम संस्कार करा के ही जाऊँगा, नो के जाया जा से। अब ये संदेशा नरसी ने मिला को तो न्यू कह है आपका अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा, नौके यजमान छोड़ दिया जाए।
अब सेठ ने सोची तो बड़ा पल्ला पड़ा, भाई कसूता जिंद लाग लिया मेरे पीछे, और जब टका जूंगा तड़का ही 10 रुपये। उसकी धारणा यहाँ टिकरी के कल नहीं 20 रुपये पड़ेगा, फिर लाख पड़ जाएगा तो मेरा नाश करेगा, इब्बा निमट ज्यादा बढ़िया। तो सेठ ने कहा कि न्यू करो, तुम लकड़ी ढोनी शुरू कर दो चिता पर, और मेरी अर्थी बना लो, मुझे उठा कर ले चलो। अब वो लकड़ी ढोने लगे नौकर नाकर, और उसकी अर्थी बना ली, परमात्मा ने भी ठा लिया एक ऐसा मोटा लकड़, कंधे में धर दिया, अगले वह लकड़ी गेर का सेठ के ऊपर मर गया। अब सेठ को ने कहा मुझे चिता पर लुटा दो, राग मत लाइयो, कदे फूक दो। वो चिता पे लुटा दिया, लकड़ी तैयार कर ली। जब परमात्मा ने सोचा यो निकम्मा, ये तो ढीठ हो दिया कति, तो ब्राह्मण रूप में बोला, भाई सेठ जी मरे मत ना, आत्महत्या ना करे, मैं मने माफ़ कर दिया, तेरा टका माफ़ कर दिया, मैं नहीं लेता तेरे से दान, तू तो कति चीज चढ़ पाया भाई। तेने बोला साची बात है, कति साची भाई, कति माफ़ कर दिया, मैं तेरे से नहीं लूँगा दान, भाई मरे मत ना, मेरा सिर ना हुए। तो जब मैं उठ लिया और कहा उठाओ सारी लकड़ियाँ वापस उठाओ, वो सारी लकड़ी ढुआ दी वापस, सर छोटी मोटी जो छोटी छोटी बच जाती है ना पड़ी रहेगी, उन नट इकट्ठी करके आप जोड़ी में गाल कर वापस ले उठाएंगे वो घर ले। इतना कंजू से ये सत्कर मान लेना, जिस पर दान या घड़ी माया होगी वो दान नहीं कर सकता, वो शुभ शुभ स्थान पर ला ही नहीं सकता, इसका एक ऐसा विष है। अब सेठ जी अगले दिन सूता उठा, सोचा दूर तक सैर सपट्टा करके आऊँगा, कई दिन घर में बंद रहा। वो तो निकल गया सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर सैर सपट्टा करने, परमात्मा ने नरसी रूप धारण कर लिया, और नरसी रूप धारण करके और घर आ गया, घर बैठ गया। वो सैर सपट्टे करके ओरिजिनल नरसी आया, तब उस भगवान ने नरसी रूप में अपने नौकरों को आदेश दे दिया था कि भाई वो जो पंडित जी है ना वो बहु रूपिया है, आज वो मेरा रूप बना का होगा, उसको अंदर नहीं घुसने देना, और नहीं मानना है तो उसका 2 लठ मार देना। अब वो सेठ जी आ रहा सैर सपट्टे करता हुआ, और अंदर घुसने लगा तो वो नौकर बोले डट रहे उड़े खड़ा हो जाना तेरा मारा है मोगरे। वो सेठ ने सोची नौकर आज कैसे बांगे बांगे बोले भाई, वो कहे हो फलाने तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तुम्हारा सेठ हूँ नरसी हूँ। वह नौकर बोले भाई तेरी बहुत हो रही है, तने हमारे सेठ को घना तंग कर रखा है, और आज आदेश गलत हो रहे हैं, आज आदेश ये हो गए हैं कि तू नहीं मानेगा तेरे मोगरी मारेंगे हम, हमारे सेठ तो अंदर है और उसने मुझे हमें कह रखा है जो आज वो मेरा रूप बना कर आओगा, और तने वो काम कर दिया तो बेरूपिए भाग जाना तेरा मारेंगे लठ, हमारा सेठ तो अंदर है उसका ये आदेश है। अब समझ गया नरसी साणा बहुत था क्यों लाला जी था, अग भैया तो बात बिगड़ गई, अब उस ब्राह्मण ने मेरा रूप धारण कर लिया, और यूँ तो मेरी सारी संपत्ति को हड़पेगा। वो फटाफट गया कोर्ट में, अब न्यायालय में गया तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई मामला बड़ा जटिल है, तो तुरंत ही अगले दिन की गवाही उनकी वाक दोनों की तारीख बुला दी जज ने। अब तारीख लगाई दोनों चले गए नरसी ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। अब जज ने पूछा उस ओरिजिनल से कि भाई जिसने दावा डाला था कि भाई तू कोई ऐसी पहचान बता दे तेरे कोई बई, दोनों के बई उन्होंने काबू कर ली जाते ही पहचान पर उसमें जानने के लिए कि ऐसी पहचान बता तेरे इन खातों में अकाउंट में इस पैड में कुछ लिख रखा हो जिससे हम पहचान सकें। तो नरसी ने बताया जी मैंने इतने संवत में लड़की का ब्याह करा था उसमें इतने तो बात के पैसे आए थे, इतना मैंने दान दिया था, एक मकान बनाया था उसमें इतनी फलाना सामान आया था इतना, ये तो मेरे याद से और मेरे याद को नहीं। बोला अच्छा वो देख ली न्यों की न्यों पागी। अब डुप्लीकेट से कहा कि अभी तू इस बही में इस अकाउंट में इस पुस्त इस खाते में बता कोई ऐसी बता तने कोई इसमें लिखा हो। तो भगवान ने लास्ट से लेकर उल्टी साइड से बताने लगा, आखिर नहीं बता दी सारी पढ़ के सुना दी कि इसमें ऐसा लिखा है मैंने ऐसा लिखा था मैंने ऐसा किया था मैंने वहाँ ऐसा किया था।
अब उस कोर्ट ने, जज ने ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया और डुप्लीकेट को ओरिजिनल कर दिया, सारी संपत्ति ब्राह्मण को दे दी। अब सेठ जी बैठ गया जाके कलेजा पकड़ के बनी में, हे भगवान, ये कौन से जन्म का शत्रु था, मेरी सारी संपत्ति है डिप्टी ने दे, मैं कीता जोगा भी ना छोड़ा घर का न गाठ का। और बैठा बैठा कोसा भगवान ने, तो परमात्मा पहुंच गए वहां पर उसी ब्राह्मण रूप में और कहने लगा, बोल सेठ जी, यह संपत्ति तेरी है या मेरी? सेठ जी बोला, थी तो मेरी, पर कमबख्त तो कौन से जन्म का दुश्मन था, तेने तो हेरा फेरी कर ली। ने बोला, हेरा फेरी ना करी नालायक, तरह तू भूल गया, या पहले भी मेरी थी आज भी मेरी है, या पूंजी साहूकार की बन जा रहा संसार और पूंजी माल गंवाइया, या नाहक बह बिगार, ये माया परम करतार की तू अपनी कहे गवार, और जम पर दुख के खावेगा नाहक बह बिगार। फिर उसको ज्ञान समझाया कि भाई तेरे ऊपर मेर है मेरी, तू तो नरक इकट्ठा कर रहा था अपना, और यह माया तेरी शत्रु है, तने को राजी खुशी तो बनाई नहीं, दो के बीस बना के दुनिया को ठग के इतनी कोड इकट्ठा कर लिया, नालायक मरेगा नरक में छिड़ के, तेरा अग्गे न पाछे कोई संतान नहीं छोड़ी थी वह ब्याह दी, और फिर भी इसके चिपटा बैठा। तो कृष्ण जी का पुजारी था, कौन? नरसी जी। उसने सोचा, यू कृष्ण भगवान है, तेन बोला भगवान अब के करूं मैं, कि भाई सारे कोड न बांट दे, तने मैं वापस दे दूंगा तेरी, पर तने इतने भी रहम होगा कि तू अपने हाथा इसने धन धर्म पर ला दे, तेरे तेरे जो है ना ये जो है कुछ पुण्य बन जाएंगे तेरे, नहीं तो तेरा मेरा कोड अकाउंट बैड अकाउंट घना हो गया तेरा। तो सेठ ने कहा, प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, देख दे डांडी मार जा, परमात्मा बोले तेरा फिर वही हाल कर दूंगा। अगना अजीब तो बात तो समझ में आ गई, ये तो आज भी मैंने ऐसे ही होना था, मृत्यु के बाद भी मैंने ऐसे ही जाना था, आपने मेरी आँख खोल दी, ज्ञान सुना दिया। तो उसने सारी संपत्ति को दान धर्म में भंडारे करके गरीबों में साधु संतों में उसको दान कर दिया। अब कंगाल हो गया, उसकी पत्नी और उस सेठ जी ने बाहर नगर से बाहर एक झोंपड़ी डाल ली, वहां रहने लग गए। एक बार एक काफी समय बीत गया, चार साधु थे भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था यानी तीर्थ भ्रमण पर, वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भाई यहाँ उंडी किसकी चलती है। तो पहले उनको पता था, किसी ने बता दिया था, जैसे भी वहाँ उस शहर में नरसी नाम का सेठ है, उसकी हुंडी चलती है। तो उसने नरसी पूछा करके उन चारों ने, तो गांव नगर में सब तरह के व्यक्ति होते हैं, वो मजाक करनिया था कोई निकम्मा, कहने लगा भाई वो नरसी सेठ ना बाहर एक झोंपड़ी डाल कर रहता है, और आजकल वो नखरे गणे कर रहा है, जल्दी सी हुंडी बनाता कोई ना, और तुम करड़े हो गए ना जब हुंडी बनाओगा, वो बड़ा नखरे वाला हो गया है। तो उन्होंने सोचा भी कोई बात ना, वो वहाँ चले गए और 500 रुपये चांदी के ले रहे थे, वो 500 रुपये नरसी जी के सामने रख दिया कि नरसी सेठ आप हैं, कहाँ जी, सेठ तो ना हूँ पर नरसी सू मैं। उन्होंने सोची लाग गया, तो भाई वो ठीक कह गए थे, कुछ और डल बोल रहे हंसते, कहने लगा भाई ठीक है सेठ जी, हमने द्वारका जाना है और ये 500 रुपये ले रहे, हमारी हुंडी लिख दे। अब नरसी ने बहुत कहा, भाई महात्मा जी हो, मेरी हुंडी नहीं चलती, मैंने तो मेरी संपत्ति न रही, मेरा ज्वाला निकल गया है और सरकार ने वापस ले रखा, मेरे से अधिकार मेरे पास नहीं है। तो वो साधुआ ने लाल आँख कर ली, जो बोला रहे तू तो सचमुच कमबख्त है, वो ठीक ही कह रहे थे गाँव वाले, तू नखरे बहुत करता है। अब उसने नरसी ने सोचा, भाई ये ततये कैसे हो, हैं महात्मा तो कदे तेने शराप ना दे दें, और भाई तो भड़का रखे हैं किसी ने। कहने लगे ठीक है भाई,
महात्मा जी रख दो। उसने ले कर कागज लिया, कागज जाके और उस पर नवला कागज लिया, वो कागज ले आई, फटाफट लिख दिया सांवल सहा सेठ, सांवलिया यानी काला, कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है और सांवल माने भी सांवला यानी काला होता है, सांवल सहा सेठ द्वारका वासी, आपकी 500 रुपये अमानत मुझ मेरे पास जमा है, इन साधु संतों को 500 रुपये दे देना, नरसी जी, नीचे नरसी लिख दिया, आपका दास नरसी। अवले का कागज पहुंच गए वहाँ, वह हुंडी यानी ड्राफ्ट लेकर पहुंचे द्वारका में। अब द्वारका में जिसकी हुंडी चले थी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि ये हुंडी नरसी की है और वर्तमान में नरसी का दिवाला हो चुका है, उसकी हुंडी नहीं चलती, तुम ठग लिए, तुम्हारे 500 रुपये ठग लिए। अब ये बात उनका गला नहीं उतरा, साधु वहाँ कह के भी वो ठग आदमी को नहीं, ठग होता तो ये बात नहीं कहता कि मेरी हुंडी नहीं चलती, हमने ही जबरदस्ती की उसके साथ। तो उन्होंने सारी द्वारका में ढूंढ लिया, सभी नौके तुम तो ठग लिए उस ठग ने। अब वो बैठ गए नगर से बाहर जाकर, सिर पकड़ कर बैठ गए के भगवान या के बनी, आए थे घूमण भ्रमण करने के लिए, पैसा रहा नहीं, कैसे खर्चे खाएंगे, कहाँ जाएंगे, चिंतित थे। उधर से क्या किया नरसी जी ने, वो 500 रुपए का खाने का भंडारे का सामान मंगा लिया और एक सत्संग समागम करवा लिया और वो भंडारा 500 रुपए का सारा सामान, उसकी पत्नी ने और उनने सेवा करके रोटी बना बनू कर और सबको बरता दिया। अब नरसी जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं, तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है, आटा दाल चीनी चावल, चीनी चावल बूरा कुछ बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था, पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहने और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है, वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता, उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन।